नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। अपने बिहार पर्यटन की सीरीज में आज हम नवादा जिले के पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। इस जिले के पर्यटन की बात करें तो यहां कई ऐतिहासिक, प्राचीन और खूबसूरत मंदिर हैं जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, तो वहीं आंखों को सुकून देने वाली प्राकृतिक सुंदरता भी है। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को। पहला है ककोलत जलप्रपात। नवादा जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले प्राकृतिक पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रांसिस बुकानन के 1811 ईसा में इस जलप्रपात को देखा गया था। अगर आप यहां आने की सोच रहे हैं तो गर्मी के दिनों में ही आए, क्योंकि यहां का पानी हमेशा ठंडा ही रहता है। आपको बता दें, हर साल 14 अप्रैल को यहां 5 दिवसीय सतुआनी मेला लगता है, जिसमें लोग भारी संख्या में यहां आते हैं। दूसरा है नारद संग्रहालय। पूरे बिहार में पटना के बाद यह दूसरा बड़ा संग्रहालय के रूप में इंगित है, जो कि नवादा शहर के नवादा चौक के पास स्थित है। यह साल 1973 ईसा में नवादा के प्रथम जिला अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इस संग्रहालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक दुर्लभ प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई है। यहाँ भगवान बुद्ध की कई मुद्राओं वाली प्रतिमा से लेकर भगवान विष्णु, मंजूश्री, गणेश आदि की प्रतिमाएं हैं। पाल काल से लेकर आधुनिक काल की कई देवी देवताओं की प्रतिमा के अलावा यहां उस जमाने की कलाकृतियां भी रखी गई हैं। कौआकोल के देवन गढ़ से लेकर हिसुआ के सोनसा, अपसढ़, पार्वती, रजौली से प्राप्त हुई कई प्रतिमाएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यहां कई प्राचीन हस्त पांडु लिपियां भी सुरक्षित रखी गई हैं। मुगल काल के सिक्के और मिट्टी के बर्तन, अस्त्र शस्त्र भी सैलानियों के लिए रखे गए हैं। तीसरा है सूर्य मंदिर हंडिया। नवादा जिले के हंडिया का यह सूर्य मंदिर बिहार के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 4 सूर्य मंदिरों में से एक है तथा पौराणिक और ऐतिहासिक सूर्य मंदिरों में शुमार है। हंडिया गांव स्थित यह सूर्य नारायण मंदिर द्वापर कालीन बताई जाती है। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मगध सम्राट जरासंघ का इन क्षेत्रों में साम्राज्य था। कहा जाता है जरासंघ की पुत्री धन्यावती यहाँ तालाब में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करती थी। सूर्योपासना को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करने आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुरादें यहां जरूर पूरी होती है। कोई भी याचक यहां से खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। अगला है इंद्रासल गुफा। जिले के पार्वती पहाड़ में स्थित इंद्रासल गुफा भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम स्थल होने के कारण यह बौद्ध धर्म वलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। बौद्ध धर्म ग्रंथों और प्राचीन काल साहित्य में उक्त स्थल के संदर्भ में वर्णित है कि बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिलवस्तु लौटने के क्रम में गौतम बुद्ध पार्वती के वैदिक पर्वत पर रुके थे और इसी गुफा में देवराज इंद्र ने उनसे 42 सवाल किए थे, जो बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों में प्रासंगिक है। गुफा के पश्चिमी दरबार पर उक्त वार्तालाप की 42 लकीरें आज भी गवाह के रूप में विद्यमान है। चीनी यात्री ह्वेन सोंग और फहियान भी भारत यात्रा के दौरान यहां आए थे। इसका वर्णन उनकी पुस्तकों में है। इंद्रशाल गुफा के रूप में खोज स्पष्ट होने के बाद से यहां विदेशी पर्यटकों, धर्मगुरुओं, लामाओं तथा बुद्ध के अनुयायियों का सालों भर आना जाना लगा रहता है। तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका समेत विश्व के मानक विश्वविद्यालयों के छात्र शोध के लिए यहाँ आते रहते हैं। पांचवा है बुधौली मठ। 1800 ईसा का बना यह धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, दर्शन का केंद्र बुधौली मठ पकरी बरवान प्रखंड के बुधौली पंचायत के बुधौली गांव में स्थित है। कहा जाता है कि इस मठ के अंदर मौजूद तालाब में विश्व के सभी नदियों का पानी लाकर डाला गया है। इसके मध्य में आज भी एक सुंदर सा दुर्गा मंडप है। प्रत्येक नवरात्र को यहां देवी की आराधना बड़ी धूमधाम से होती है। आखिरी नंबर पर है श्री गुनावा जी तीर्थ। गुनावा नवादा जिले में स्थित एक छोटा सा गाँव है। इस स्थान का जैन धर्म में धार्मिक महत्व सबसे ज्यादा है। गुनावा का जैन मंदिर श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र गुनावाजी को समर्पित है। यह एक झील का केंद्र है। इस मंदिर में 40 परिसर है। कई लोगों की श्रद्धा और भक्ति इस स्थान से जुड़ी हुई है। यह जैन मंदिर भारत के सबसे अच्छे जैन मंदिरों में से एक है। यह वो स्थान है जहां गंधारा, इंद्रभूति, गौतम ने केवला जनाना
प्राप्त किया था, जो जैन धर्म में एक प्रकार का ज्ञान होता है। इस ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए पर्यटक हमेशा आते रहते हैं। इस जिले के प्रमुख महोत्सव में काकोलत मेला का नाम प्रसिद्ध है। यह काकोलत नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर इस धार्मिक मेले का आयोजन 6 दिनों तक किया जाता है। बिहार के विभिन्न इलाकों में अलग अलग तरह की मिठाइयां बनाई जाती है। नवादा जिले के नवादा जमुई रोड पर स्थित पकरी बरावा बाजार में बरा नाम की एक मिठाई बनाई जाती है, जो जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। पकरी बरावा में बरा की करीब 50 दुकानें हैं। इस स्वादिष्ट मिठाई बरा की खासियत है कि यह बहुत ही खस्ता होता है। बढ़िया बरा उसे माना जाता है जिस पर गलती से भी सिक्का गिर जाए तो वह टूट जाता है। दरअसल इसे बनाने के लिए मैदे में घी और सोडा मिलाकर गुथा जाता है। उसे फिर रिफाइन या घी में छान लिया जाता है। उसके बाद चीनी का हल्का शीरा डाला जाता है। बिहार के जिलेवार पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में हम दूसरे जिले का अगला वीडियो जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने अगले वीडियोस में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए और बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।